हेलो गाइस, आज की रेसिपी जो हम बनाने वाले हैं वो बहुत ही टेस्टी है, माउथ वाटरिंग है। इंडियन स्टाइल में इसे हम लोग बहुत बार बना के खाते हैं, बहुत तरीके से ये बनता है। आज हम लोग अमेरिकन स्टाइल में बनाएंगे, अमेरिकन चॉप सुई है, डेलिशियस इंटरेस्टिंग, बहुत ही माउथ वाटरिंग है ये रेसिपी। तो चलते हैं बनाने। इसके लिए हमने क्या प्रोसेस किया है आप पूरी वीडियो देखिए। सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन और इसमें पानी डाल दिया है हाफ करके, और इसमें एक चम्मच नमक और एक चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम वेट करेंगे, अच्छी तरह पानी बॉयल होना चाहिए। जब बॉयल आने लगता है तब हम इसमें चाव चाव डाल देते हैं। इससे बहुत बढ़िया चाव चाव का जो प्रोसेस होता है पकाने का बढ़िया होता है, एकदम चिपचिपा नहीं होगा। तो पानी में हमने डाल दिया है, 3 पीस हमने डाला है। आप अपने क्वांटिटी के अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं। जब हम इसको पकाएंगे तो इतना बार ध्यान देना होगा कि 90% हम पकाएंगे, 10% इसको छोड़ देंगे, क्योंकि क्या होता है कि अच्छी तरह से पक जाता है जो 100%, तो ये गीलापन आ जाता है क्योंकि पानी गर्म होता है और तुरंत ये गीला हो जाता है, जिससे टेस्ट बढ़िया नहीं आता है। इतना ध्यान देंगे, और जब पक जाता है तो तुरंत इसको टैप वाटर से ठंडा कर देते हैं। इसमें पानी ठंडा डाल देते हैं, चेक कर लेते हैं हमारा पक चुका है चाव चाव। अब इसको हम ठंडे पानी में डाल देंगे और इसको छान देंगे, अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ देना है छन्ने से। अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं और इसमें ऑयल डाल देंगे, ऑयल को स्मोकी गर्म करेंगे, और इसमें चाव चाव हमने हाफ डाल दिया है, पूरा नहीं, थोड़ा सा मैंने बचा करके रखा है जिसको मैं बाद में यूज करूंगी। और इस चाव चाव को एकदम अच्छी करंची तल देना है। तलने के बाद ये एकदम अभी फैला हुआ लग रहा है, सिमट जाएगा, और जिस तरह से कच्चा चाव चाव रहता है उसी तरह से ये दोबारा तलने के बाद क्रंची हो जाता है, जिससे टेस्ट इसका बहुत बढ़िया आएगा, डिफरेंट हो जाता है। इस तरह से हम अच्छी तरह से इसको चलाते हुए तल देंगे। इसका सारा पानी तलने के बाद सूख जाता है और ये जो फैला हुआ है सिमट जाएगा इस तरह से। देख रहे हैं आप, जैसे कि पूरा फैला हुआ था, अब ये अच्छी तरह से क्रंची हो गया है। अब इसको हम ऑयल से निकाल लेंगे और एक छन्ने से अच्छी तरह से एक-एक बूंद जितना ऑयल है सारा निकल जाए इसको छान लेते हैं। इसको छानने के बाद इसका ऑयल सारा निकल जाएगा इस तरह से। अब हम इसको एक पॉट में रख देते हैं, जिससे कि जितना इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो आराम से निकल जाए और ये ऑयल फ्री हो जाए, जितना है वो सारा आराम से निकल जाता है। तो हम एक पॉट ये पॉट में रख देंगे इसको। अब इसमें जो बर्तन में तेल है उसको हम सारा निकाल करके सिर्फ 2 चम्मच ऑयल हम इसमें छोड़ देंगे। तो देख ले रहे हैं कितना क्रंची हो गया है, एकदम क्रंची, तोड़ने पे एकदम अच्छी तरह से जिस तरह से स्टार्टिंग में रहता है करारा, वैसा ही ये फिर से हो गया है तलने के बाद। अब 2 चम्मच ऑयल इसमें छोड़ दिया है, सारा ऑयल निकाल दिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं लहसुन और अदरक चॉप किया हुआ बारीक। इसमें मैंने प्याज डाला है, 2 पीस मैंने इसमें कट किया हुआ प्याज लंबे लंबे डाला है। अब हम कुछ वेजेस जैसे कि डालते हैं गाजर और बीन्स हो गया, ये सारे लंबे लंबे कट किया है, और शिमला मिर्च, ये सारे सब्जियां हमने कट करके रखा था, इसको अब इसमें ऐड कर देंगे। और चलाते हुए इसको मतलब कि उतना ही फ्राई करना है, भुनना है, जितना इसमें ऑयल तो ज़्यादा है नहीं कि ये सॉफ्ट होने तक पके, इसको ब्राउन होने तक इसे नहीं पकाना है। तो इसको पकाते हुए हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं स्टार्टिंग में ही, इसको चलाते हुए हम पका लेंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसको सॉफ्टनेस के लिए इसको पकाना है, जिससे कि ये सॉफ्ट भी हो जाए पक जाए।
अब इसमें हम नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। नमक मैंने डाल दिया। अब अच्छी तरह से चला करके इसको ढक करके आप फ्लेम को कम करके एकदम लो करके पका देना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी पीसेस कटी हुई है, लंबी लंबी, तो थोड़ा पकने में, सॉफ्ट होने में टाइम लगता है। तो ये फ्लेम हम कम करके ही इसको पकाएंगे। अब मैंने इसमें डाला है बंधा गोभी। स्टार्टिंग में मैंने नहीं डाला था, क्योंकि जो सब्जियां है वो बड़ी बड़ी है और बंदा गोभी मैंने बहुत बारीक काटा है, तो ये तुरंत सॉफ्ट हो जाएगी। ये बहुत ही हेल्दी भी है, इतनी सारी इसमें सब्जियां पड़ी हुई है, तो ये डिश बहुत हेल्दी भी होगा। अब इसमें हम सॉस मिला देंगे, जो सारे सॉस हम लोग यूज करते हैं चौचौ बनाने में, जैसे कि सोया सॉस हो गया, चिली सॉस हो गया, रेड चिली सॉस, टोमेटोस केचप और विनेगर, अजीनोमोटो, पेपर पाउडर, ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर लेते हैं। इसमें मैंने काली मिर्च और अजीनोमोटो मोटो डाल दिया है। थोड़ा सा नूडल्स मैंने बॉईल किया हुआ रख दिया है इसको गाढ़ा करने के लिए, तो थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से हम मिला देंगे। अब गाढ़ी करने के लिए इसमें मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर घोल करके, तो एक कटोरी एकदम पतला पानी में, क्योंकि ज़्यादा उसमें नहीं, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला था। और अच्छी तरह से इसमें, अगर आपको सॉस कम लगे तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग सॉस को बढ़ा सकते हैं, जितने सॉस डाले हैं वो सारे। और इसको थोड़ा पानी डाल करके हम इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है और ये पक चुका है, सॉफ्ट हो गई है, सब्जियां भी पक चुकी है। अब हम इसे गैस से हटा देंगे। ये पक गया है, तैयार हो गया है। अब हम एक बॉल लेंगे, सर्विंग बॉल। इसमें जो हमने तल करके रखा है चाव चाव, उसको इसमें पहले, सबसे पहले फर्स्ट लेयर डालेंगे। इसको हम इस तरह से तोड़ देते हैं, ये बहुत ही क्रंची है। अब इसके ऊपर जो हमने सॉसेस तैयार किया है इस पे फैला देते हैं। और गर्मा गर्म अमेरिकन चॉप सुई का हम इंजॉय करेंगे। तो आप बताना कि कैसा लगा ये रेसिपी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और माउथ वाटरिंग है। तो एक बार बनाकर जरूर देखना और कमेंट में आप जरूर बताना कि कैसा लगा ये न्यू रेसिपी। इंडियन तो हम लोग फूड डेली बनाकर खाते हैं, आज हम लोग बनाएंगे अमेरिकन, जो कि देखने से ही बहुत ही टेस्टी लग रहा है, और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा हम क्रंची डाल देते हैं चाव चाव, और इस तरह से हमारा रेडी है। चलिए हम लोग इंजॉय करते हैं, और कमेंट में आप बताना, और बढ़िया लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ होनी चाहिए।